या मैं परेशान करूँगी तो हम अलग पलट चल करके ही बंद कर देंगे। ये क्या तरीका बात करने का? नहीं बाबू जी, कृष्णा जी बिल्कुल सही है, हमें अपनी जगह याद रखनी चाहिए। पर पापा, इस पत्थर दिल के लिए अपनी आंखें नम कर भूल गए क्या इसने हमारे बच्चे को मारा? घर में फिर एक बार दिखाई दे रहा है कि क्रिस काफी भड़के हुए हैं और पिताजी भी काफी भड़क गए हैं, तो ओवरऑल सीन क्या शूट कर रहे हैं? बेसिकली ऐसा हुआ है कि क्रिस ने अभी बिंदिया को उसकी जगह मेड की दिखाई है कि तुम यहाँ पे सिर्फ सर्वेंट हो और तुम यहाँ पे तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ आप अम्मा की वजह से यहाँ पे आई हो, अम्मा की देख रेख के लिए आई हो, और तुम्हारी इस घर में और कोई भी जगह नहीं है क्योंकि तुम्हें इस घर से बेदखल करके रखा है। तो अभी देखा जाए तो अभी पायल भी इस घर से बेदखल हुई है क्योंकि पायल के बारे में भी ये सुनने में आया कि उसने अम्मा के इसमें दवाई या कुछ मिलाई थी जो नींद की दवाई थी जो बहुत ख़तरनाक थी, जो किसी हादसे का शिकार भी हो सकती थी, मतलब लाइक डायरेक्ट मौत। तो उसी की वजह से पायल को भी घर से बाहर निकाला रहता है, लेकिन क्रिश को अंदर ही अंदर अपने इस चीज़ का भी उसे याद आता है कि उसे लगता है कि बिंदिया की वजह से मेरी औलाद मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में आज भी वही ख्याल है कि बिंदिया की वजह से मेरी औलाद गई है। उसे अभी भी क्लैरिटी मिल नहीं रही है और उसकी वजह से वो बोल रहा है कि तुम इस घर में तुम्हारी यहाँ पर जो भी जगह है वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट की है, जो सपना जो हमारी सर्वेंट थी तो आप तुम उसकी जगह तुम ले रही हो और तुम सिर्फ यहाँ पे इसी चीज़ के लिए हो और तुम किसी चीज़ के लिए। तो डाइनिंग टेबल का हमारा जो सीन चल रहा है जहाँ पे बिंदिया हम सबको खाना परोस रही है और साइमल्टेनियसली जब वो खाने के लिए बैठती है तो क्रिश वो कुर्सी अपनी तरफ करता है, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस कुर्सी पर बैठने की, पहले ही तुम मेड के कपड़े पहन के बैठी हो और तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी है अम्मा की तरफ देखने का, जब अम्मा ठीक हो जाएगी या फिर जब हम अम्मा को यहाँ से बाहर भेज देंगे तो तुम्हें भी यहाँ से दफा होना है। तो दैट इज़ द होल थिंग, अभी यही सीन चल रहा है। तो जैसे कि क्रिस ने उनको मेड के जो एक वो है वो बताया कि आप सिर्फ एक मेड, ठीक है, बट आपको लगता है कि बिंदिया के बिहेवियर में खाली एक मेड है क्योंकि वो पूरा देखा जाए तो ओवरऑल घर को एक समेट के रखी है और दादी के इतना अच्छे से ख्याल रखी है, और जहाँ हमने देखा कि क्रिस उनसे झगड़ा करने वाले तो उन्होंने एयरबड्स वगैरह दे दिए कि दादी को इस बात को पता नहीं, क्योंकि दादी का कैसा है, दादी फिलहाल मेंटली इम्बैलेंस है, वो स्टेबल नहीं है, तो उनको कुछ शॉक ना लगे क्योंकि वो बहुत रिएक्ट करती है, चिल्ला उठेगी या फिर तोड़ फोड़ देगी, सब कुछ करेगी, तो उनको इस सब से बाहर निकालने के लिए वो हेडफोन्स लगाती है ताकि वो कुछ सुने ना और वो किसी गाने में किसी चीज़ में वो बिज़ी हो, जैसे बच्चे कैसे होते हैं ना, जब बच्चों को हम कैसे बिज़ी करते हैं, बुढ़ापा भी एक बच्चों जैसे ही होता है, तो बच्चों को कैसे हम बिज़ी करते हैं, मोबाइल पर कोई कार्टून लगा के दो, छोटा भीम लगा के दो, जैसे मैं भी अपने नेफ्यूज़ के साथ कभी कभी करता हूँ, मेरे जब भांजा भांजी आते हैं जब और उनको जब ऐसे बातों में जब इधर उधर देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं, मैं अपने बहनों के साथ जब कुछ बात कर रहा हूँ कुछ अब करते ना हम लोग घर में कैसे एक नॉर्मल सी बात करते, तो उस बच्चे का ध्यान हटाने के लिए हम उसको या तो उसको बोलते जाके रूम में वीडियो गेम खेल या फिर, तो वैसे फ़िलहाल के लिए हम दादी के साथ भी वही चीज़ कर रहे हैं कि उनका ध्यान भटके, उसके लिए बिंदिया उनको हेडफोन्स दे रही है, एयरपॉड्स लगा के दे रही है कि आप कुछ गाना सुनिए या फिर आप कुछ कार्टून देखिए ताकि वो अपना मन उनका इस सब में ना लगे या फिर वो पता नहीं वो क्या रिएक्ट कर लेगी, ये सब चीज़ है। जाते जाते पिताजी कहीं ना कहीं बिंदिया के सपोर्ट करने की कोशिश की बट यहाँ पे भी मजबूर हो गए क्योंकि अम्मा खड़ी हो गई हैं और जो भी है। नहीं, पिताजी तो हमेशा बिंदिया के ही सपोर्ट में रहते हैं, वो ऐसा कभी एक दिन भी नहीं होता कि वो उसके सपोर्ट में नहीं है, ऐसा कभी है ही नहीं। वो कुछ बोलना चाहता है उसके पहले क्रिश ने चुप करा दिया, क्रिश चुप कराता है क्योंकि क्रिश का ऐसा मानना है कि भाई अभी उसकी बीवी मतलब लाइक सो कॉल्ड उसकी बीवी जो है पायल वो इस घर से रफा दफा हुई और तुम भाई किस बेसिस पे तुम इसे रख रहे हो मेरे साथ, क्या करना चाह रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में,
तो ये चीज़ है, तो उसे ऐसा लगता है कि यार एक तो उसकी औलाद गई, उसके बाद पायल भी घर छोड़ के चली गई, तो ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है, जबकि ये एक्चुअली उसकी एक्चुअल में धर्म पत्नी है। तो उसका जो गुस्सा है, क्योंकि उसे उसके आंखों के सामने पर्दा है, उसे कुछ पता नहीं है कि बेसिकली क्या, वो अभी भी पायल के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसके सामने जो कुछ भी है तो उसे वो समझने के लिए वो तैयार ही नहीं है, वो समझना चाहता ही नहीं है। जो पिताजी उसे कहना चाहते हैं, जो बिंदिया उसे कहना चाह रही है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से क्या हो रहा है, इस पूरे चक्कर में माँ भी बेटे का ही साथ दे रही है, मतलब लाइक कृष्ण का ही साथ दे रही है। तो वो सब जगह से मतलब लेकिन वो झंझोर गया कि यार क्या करूँ मैं, किसके पास जाऊँ। तो उसे ये लगता है कि यार यार ये औरत यहाँ पे क्या करेगी। और पिताजी ऑफकोर्स वो साइड लेंगे ही बिंदिया की, लेकिन वो अभी क्या है, वो एकदम हताश हुए कि वो बेटा अभी भी यही बोल रहा है कि वो इसी इसमें पड़ा है कि यार आप भूल गए पिताजी, इसके वजह से मेरी औलाद चली गई, एंड ऑल दैट थिंग। मैंने तुम पुरानी बातें कितने बार निकालते रहोगे, कहीं ना कहीं तुम्हें रुकना पड़ेगा, ऐसे पिताजी का ये कहना है। तो उन वो भी एक स्टेप बैक लेते, क्योंकि उनको नहीं पता है, उनके बेटे को नहीं पता कि बेटा तेरी बीवी जो थी, जो सो कॉल तेरी जो बीवी थी पायल, वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.